क्लोजिंग भी उसी टाइप के ब्रैकेट का है तो यहाँ पर ट्रू रिटर्न है और ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल में अगर स्मॉल ओपनिंग है तो स्मॉल क्लोजिंग भी है अगर बिग ओपनिंग है तो बिग क्लोजिंग क्लोजिंग है middle opening है तो middle closing है है मिडिल मिडिल ओपनिंग तो 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 हमारा ये स्ट्रिंग वैलिड फॉलो कर रहा है, तो हम यहाँ पर रिटर्न ट्रू करा रहे फिर ऐसे तीसरे एग्जाम्पल में यहाँ पर स्मॉल ओपनिंग है तो इसका स्मॉल क्लोजिंग तो है नहीं यहाँ पर बिग क्लोजिंग है तो यानी कि ये वैलिड पैरेंथेसिस फॉलो नहीं कर रहा तो ये स्ट्रिंग के लिए हम फॉल्स रिटर्न करा देंगे तो अब देखते हैं इसका एल्गोरिदम वर्किंग तो हमारे पास ये स्ट्रिंग है जिसमें ये सारे ब्रैकेट्स दिए गए हैं और हम लेंगे एक स्टैक स्टैक और इसमें जब भी हमें ओपनिंग ब्रैकेट्स मिलेंगे तब हम इसमें पुश करते चलेंगे स्टैक में और जब भी हमें क्लोजिंग ब्रैकेट्स मिलेगा तो हम इसमें पॉप करेंगे मगर इसके लिए एक कंडीशन होगा कि हमारा जो पीक एलिमेंट होगा मतलब हमारा जो सबसे ऊपर वाला कैरेक्टर होगा वो हमेशा उस ब्रैकेट का ओपनिंग होगा तभी हम उसमें से पॉप करेंगे सबसे पहले यहाँ पर स्मॉल ओपनिंग है तो हम सिंपली इसे यहाँ पर पुश कर देंगे तो हमने यहाँ स्टैक में स्मॉल ओपनिंग डाल दिया अब हम चलेंगे दूसरे कैरेक्टर पे जो की है स्मॉल क्लोजिंग ब्रैकेट अभी स्टैक का जो पीक एलिमेंट है पीक मीनस सबसे ऊपर वाले एलिमेंट जो हमारे पास सबसे टॉप नोच पे होगा तो हम देखेंगे कि स्मॉल क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए हमारा जो स्टैक पर जो पीक एलिमेंट है वो ओपनिंग होगा मीन्स सेम टाइप का ब्रैकेट ओपनिंग में हो तभी हम इसमें से पॉप करेंगे तो हमारा जो पीक पे है वो ओपनिंग है तो इसीलिए हम इसको देखते ही यहाँ से ये पॉप कर देंगे अब हम चलेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर पे जो कि है बिग ओपनिंग ब्रैकेट जैसे ही हमें ओपनिंग मिलेगा तो हम स्टैक में पुश कर देंगे तो सिंपली हम यहाँ पर पुश कर देंगे अब हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है क्लोजिंग ऑफ बिग ब्रैकेट तो क्लोजिंग ऑफ बिग ब्रैकेट के लिए हम पहले स्टैक में चेक करेंगे कि में क्या हमारा स्टैक में पीक एलिमेंट क्या ओपनिंग ऑफ बिग ब्रैकेट है तो यहाँ पर जो कैरेक्टर चेक कर रहे हैं उसका ओपनिंग ब्रैकेट है तो सिंपली इसे पॉप कर देंगे अब हम आगे नेक्स्ट कैरेक्टर पे जो की है मिडिल ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट

पास जितना भी ओपनिंग था उसके लिए क्लोजिंग भी अवेलेबल था इसीलिए हमारा स्टैक जो आया वो सारा ही वो इम्पटी रह गया तो यहाँ पर जैसे ही इम्पटी आया तो हमारा इज इम्पटी ट्रू हुआ तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे अगर हमारा इज इम्पटी फॉल्स हुआ तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे तो चलते हैं हम कोडिंग की तरफ तो इसमें सबसे पहला लाइन हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो एस डॉट लेंथ है मीन स्ट्रिंग का लेंथ है अगर हमारा इवन लेंथ नहीं हुआ स्ट्रिंग का तो हम सिंपली फॉल्स कर देंगे क्योंकि हमारे पास अगर ओपनिंग एक है तो उसका क्लोजिंग भी एक होना चाहिए तो मिलकर दो तो एटलीस्ट होना ही चाहिए तो जितने भी लेंथ होंगे स्ट्रिंग के वो कम से कम इवन में होंगे तभी हम आगे प्रोसेस करेंगे अगर इवन नहीं हुआ ऑड हुआ तो हमारे पास ऑब्वियसली कोई एक ओपनिंग या कोई एक क्लोजिंग एक्स्ट्रा बच जाएगा तो वो वैलिड वैसे ही नहीं होने वाला तो हम सिंपली उसे फॉल्स रिटर्न करा देते हैं तो हम फिलहाल कंडीशन चेक करेंगे इसका अब हम लेंगे एक स्टैक कैरेक्टर टाइप का अब हम एक लेंगे लूप जिसमें हम अपने स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे और एक एक कैरेक्टर करके हम चेक करते चलेंगे अब सबसे पहला इफ कंडीशन में हम ये चेक करने वाले हैं कि अगर हमारा कैरेक्टर ओपनिंग ऑफ एनी ब्रैकेट्स होगा तो हम सिंपली स्टैक में पुश करेंगे अब हम एल्स कंडीशन लेंगे कि अगर हमारा क्लोजिंग ऑफ एनी ब्रैकेट्स होगा तो हम उसको पॉप करेंगे अगर हमारा जो स्टैक का पीक एलिमेंट होगा उसका ही अगर ओपनिंग होगा तब और हाँ स्टैक एम्पिटी भी नहीं होना चाहिए तो ये तीनों कंडीशन को लेकर हम चेक करेंगे तभी हम स्टैक में से वो कैरेक्टर पॉप करते चलेंगे तो ये राइन हमारा क्लोजिंग ऑफ स्मॉल ब्रैकेट के लिए था अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे क्लोजिंग ऑफ मिडिल ब्रैकेट के लिए फिर हम चेक करेंगे क्लोजिंग ऑफ बिग ब्रैकेट के लिए तो हम ये इस कंडीशन दो बार और लिखने वाले हैं मगर बस यहाँ पर क्लोजिंग ऑफ मिडिल ब्रैकेट होगा और यहाँ बिग ब्रैकेट और इसी तरीके से पीक हम चेक करेंगे मिडिल के लिए और यहाँ पीक चेक करेंगे हम बिग uh, ब्रैकेट के लिए और लास्ट में अगर ये चारों कंडीशन में से कुछ भी फॉलो नहीं होता यानी कि हमारे कुछ स्टैक में पहले से एलिमेंट्स हैं जो कि मैच uh, नहीं कर रहे हैं हमारे कंडीशन को तो हम सिंपली एल्स रिटर्न फॉल्स कर देंगे और फिर लास्ट में फॉर लूप से बाहर आने के बाद रिटर्न स्टैक डॉट इस एम्पिटी करेंगे अगर हमारा एम्पिटी निकला तो हमारा ट्रू रिटर्न कर देगा बुलियन अगर हमारा एम्पिटी नहीं आया तो फिर हमारा फॉल्स हो जाएगा अब हम देखते हैं रन करके ओके तो यहाँ रिटर्न फॉल्स होगा तो हमारा रन हो गया अब सबमिट करते हैं तो यहाँ पर हमें नॉट स्टैग डॉट एज एम हमें सबसे पहले लिखना होगा क्योंकि हमारा पहले इज एम चेक होगा फिर ही आगे peak चेक होगा तो हम इसे सबसे पहले कर देते हैं फिर देखते हैं और अब हम वापस से सबमिट करके चेक करते हैं तो हमारा सबमिट हो गया है ये रहा हमारा फाइनल सॉल्यूशन सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग